हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज 24 मार्च 2020 और 24 मार्च 2020 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ये शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। आपको जैसे कि पता होगा, 23 मार्च 1931 में लाहौर में इन तीनों को फांसी दी गई थी। इन तीनों की शहादत में हम ये शहीद दिवस मनाते हैं। यानी आप ऑप्शन ए 23 मार्च आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी हुई थी। नाम एक बार मैं आपको बढ़ते बता दे रहा हूँ, आप उसे याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादन प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम को किसने मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। अभी भारत सरकार ने उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार। दोस्तों, भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सरकार अगले 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए इस क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है। दोस्तों, तौलीन सिंह ने मिस मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक हैं तौलीन सिंह। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में लेखक द्वारा पीएम से एक बार की गई निजी मुलाकात का ब्यौरा जारी किया गया है। साथ ही लिचिंग से लेकर अनुच्छेद 370, विमुद्रीकरण से लेकर सबसे ज़्यादा विवादास्पद कानून CAA पर पीएम मोदी के विचारों पर प्रकाश डाला गया है। आपको इस पुस्तक का नाम याद रखना है, मिस मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 ज्वालामुखी के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों, अभी सत्यरूप सिद्धांत 7 ज्वालामुखी के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सत्यरूप सिद्धांत। पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी LBR में 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ने वाले पहले भारतीयों के रूप में शामिल किया गया है। आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी याद रखना है, सत्यरूप सिद्धांत। साथ ही उन्होंने 7 चोटियों और 7 ज्वालामुखी के शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही के रूप में भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। आपको ये पता होगा, 7 महाद्वीपों पे जो 7 ऊंची चोटियां हैं और 7 ऊंची ज्वालामुखी हैं, उन पर सत्यरूप सिद्धांत ने अभी चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। यानी आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों, अभी पंजाब ने अपने पूरे पंजाब में लॉकडाउन किया था और अभी लॉकडाउन को उसने कर्फ्यू में तब्दील कर दिया है। दोस्तों,
कोविड-19 के चलते भारत के अधिकतर राज्यों में अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा, लगभग 80 शहर और 75 ज़िलों में लॉकडाउन किया जा चुका है। और पंजाब सबसे पहला ऐसा राष्ट्र भारत का बना है जिसने कोविड-19 के कारण पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। दोस्तों बात आई है पंजाब की, आपको पता होगा पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पी के बनर्जी का निधन हुआ वो कौन थे। पी के बनर्जी का निधन हुआ वो एक फुटबॉलर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इन्होंने अपने पूरे जीवन में 36 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 19 गोल किए हैं। इन्हें पी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू 18 दिसंबर 1955 में ढाका में श्रीलंका के खिलाफ किया था। ठीक है, आपको यह डेट याद रखनी है, 18 दिसंबर 1955 को ढाका में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, आज का अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों अभी राज्य सरकार है उसने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यूके राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर 2019 को पदोन्नति को प्रतिबंध करने के फैसले के तहत ये कदम उठाया है, आपको इतना याद रखना है। बात आई है उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की बात आई है, उत्तराखंड में आपको पता है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आई है तो आपको याद रखना है शांत घाटी केरला में पड़ता है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही है। आपको उत्तराखंड के बारे में इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। अभी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है 23 मार्च। दोस्तों 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है, यानी 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। और 1961 में पहली बार विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था। इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस का जो सब्जेक्ट है वो आपको याद रखना है। इस बार के विश्व मौसम विज्ञान दिवस का सब्जेक्ट है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी जल और जलवायु परिवर्तन। सब्जेक्ट मैं आपको एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जल और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात आई है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सहकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और WMO के कुल सदस्य 191 हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन है, यानी जो हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया है। अभी 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया है। अधिकतर बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और मोस्टली बच्चों ने इसके बारे में जितनी भी एक्सप्लेनेशन और जितने भी क्ल्यूज होते हैं सबको नीचे कमेंट बॉक्स में बताया है।
आपको अगर वीडियो के बारे में वीडियो के क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जितना भी पता है आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना फीडबैक भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, भारतीय रेलवे, शिडबी, TCS और इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल AD Star Classes को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।